फ्रेंड्स, दिस इज इनामुल हसन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रयोग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में H1750 ड्रोन को रिपेयर करना सीखेंगे, उसके मोटर के फॉल्ट को डिटेक्ट करना सीखेंगे, साथ ही साथ उसके प्रोपेलर को हम लोग रिप्लेस करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास में ये H1750 का ड्रोन है, ये हमारा रिमोट है। तो सबसे पहले हम अपने रिमोट को ऑन करते हैं। ये हम रिमोट को ऑन करेंगे और ये हमारा ड्रोन है, ड्रोन को भी हम ऑन करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा बैटरी है, बैटरी के कनेक्टर को हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही हमारा ये ड्रोन तो ऑन हो गया, पर ये कुछ रीजन से फ्लाई नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ड्रोन फ्लाई क्यों नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, हमारे ड्रोन का रिमोट और ड्रोन को हमने दोनों को ऑन कर लिया है। अब देखते इसमें प्रॉब्लम क्या था जो ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है। कि हमारा तीन मोटर और प्रोपेलर तो मूव कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ये हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो क्या रीजन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे ऑफ करते हैं, इसके बैटरी को डिटैच करते हैं बैक साइड से। अब इसके सबसे पहले हम लोग नट्स को ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे नट्स को ओपन कर देना है। अब उसके बाद इसको इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद इसका ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट को साइड में रख देना है। इसके बाद ये जो है मेन इसका सर्किट है, ये चार कोर्डलेस मोटर है, 1, 2, 3, 4, और ये इसकी रिसीवर सर्किट है। अब हमें इसके फॉल्ट को डिटेक्ट करना है बहुत ही बारीकी से। अब कौन सा मोटर हमारा ऑन नहीं हो रहा था, फिर से एक बार हम ऑन करके देखेंगे। ये वाला मोटर हमारा काम नहीं कर रहा, मतलब इसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। अब हमें इसके मोटर को ओपन करना है। इसके मोटर को ओपन करने के लिए हम ऐसे यहाँ से ट्विस्ट करेंगे। ये हमारा मोटर ओपन हो गया। इस मोटर में आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मोटर के साथ कोर्डलेस की मोटर है, इसके साथ में एक छोटी सी गियर अटैच है। ये देख रहे हो आप वाइट, ये गियर है। बहुत बार ये फ्लाई करते वक्त जब ऊपर से नीचे की ओर घूरता है तो ये हट जाता है, निकल जाता है, गिरने की वजह से मिसप्लेस भी हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे मोटर में ये जो गियर है वो लगी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर इसको फिर से आप रिप्लेस करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, फ्लाई नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस मोटर को हटाएंगे। अब इसके जगह पे हमें एक नए और फ्रेश मोटर को रिप्लेस करना है जो हमारे प्रोपेलर को रोटेट करा सके और हमारा ड्रोन फ्लाई कर सके। तो हमारे पास में एक नया मोटर है, ये मोटर आप चाहो तो prayogindia.in की वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। तो अब सबसे पहले इसके वायर को हम लोग हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने मोटर को रिप्लेस कर दिया है। अब फिर से हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो अगर आपके प्रोपेलर टूट गए हों या कुछ प्रॉब्लम हो या गियर्स निकल गए हैं तो आपको करना ये है कि यहाँ पे आप देखो एक छोटी सी नट है, यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे गियर्स हैं। ये गियर्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना भी हमारा प्रोपेलर मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं करेगा तो फ्लाई नहीं करेगा। तो अब हम इसको फिर से वापस से अटैच करते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए था।
दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहा है। तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसके पॉड को डिटेक्ट करके इसे बना दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।